आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बाय मुदालियर आयोग और कोठारी कमीशन। ठीक है, कल हमने किया था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जो हमारे जो सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, प्राइमरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, और ये है हमारा माध्यमिक सेकेंडरी कमीशन और कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले आपको इसमें इंट्रो थोड़ी बहुत डालनी पड़ेगी कि माध्यमिक आयोग क्या है, ठीक है, और कोठारी कमीशन आयोग क्या होता है। ठीक है, इसने कौन सी शिक्षा के ऊपर बताया भाई, ये आपकी कौन सी शिक्षा का प्रचार किया और कैसे कैसे शिक्षा में इन्होंने अपना जो महत्वपूर्ण स्थान था वो निभाया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुदालियर आयोग की। देखिए, मुदालियर आयोग जो है वो स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा आयोग था जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा के ऊपर बहुत बल दिया। ठीक है, और उन्होंने शिक्षा के उद्देश्य निश्चित किए। जो मुदालियर आयोग था, अपने इसी उद्देश्य के अंतर्गत उन्होंने जो विज्ञान शिक्षा थी इस ओर बहुत ही विशेष जोर दिया, विज्ञान शिक्षा की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया, जो मुदालियर आयोग के एम्स में कहा गया। तो इन्होंने क्या कहा, इस आयोग ने भारत ने पहली बार जो विज्ञान की शिक्षा थी उसका वो एक स्कूल सब्जेक्ट में, जैसे स्कूल के सब्जेक्ट में एक अनिवार्य विषय बना दिया गया। ठीक है, तो ये किसकी देन है, मुदालियर आयोग की। इसके द्वारा जो भी किए गए विज्ञान के जो शिक्षण के प्रति बहुत सारे हमारे प्रयास थे, ठीक है, 1956 में जो माध्यमिक विद्यालय थे उन्होंने विज्ञान में शिक्षण पर एक अनोखी भारतीय संगोष्ठी भी, ऑल इंडिया सेमिनार ऑफ साइंस ऑफ टीचिंग इन सेकेंडरी एजुकेशन, इसका ये नाम भी रखा, जो संगोष्ठी की गई, और इस नाम से एक सेमिनार भी आयोजित किया गया जो हमने अभी आपको बताया है। ठीक है, और इसमें जो प्राथमिक थे इसके साथ साथ माध्यमिक शिक्षा एवं प्राथमिक के भी साथ में किए इन्होंने, और एवं माध्यमिक जो सेकेंडरी हमारी शिक्षा है उसकी एजुकेशन के लिए विज्ञान के लिए बहुत सारे उद्देश्य बताए गए। ठीक है, उन उद्देश्यों में से कौन कौन से उद्देश्य हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले प्राथमिक के बताए जो इन्होंने कि बालकों में जो नेचर, हमारी प्रकृति की जो विभिन्न दृष्टिकोण होते हैं, विभिन्न घटनाएँ होती हैं, उसका जो सूक्ष्म निरीक्षण होता है, ठीक है, वो करने की क्षमता उत्पन्न करना, कि जैसे हम साइंस के लिए एक हमारा जो घूमना, भ्रमण करना, वो बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है, सीखने के लिए। सेकंड है बालकों में खेल खेलने के लिए, और जो हमारा इसके साथ साथ जो भी हम देखते हैं उसके जो हम उसकी टाइप्स करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, उसकी भी योग्यता का विकास बच्चों में लाना, ठीक है। बालकों का स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित करना, क्योंकि स्वस्थ रहना भी जीवन के लिए ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये हमने सुना हुआ है कहावत, ठीक है। तो जब तक मनुष्य का स्वस्थ शरीर नहीं होगा तो वो आगे कैसे पढ़ेगा, ठीक है। पढ़ाई करने के लिए उसका दिमाग भी स्वस्थ होना चाहिए और उसका शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए। उसके बाद है कि बालकों में जो प्रकृति के प्रति हमारी प्रेम की भावना है उसकी भावना उत्पन्न करना, कि बच्चे को इस तरह से बच्चों को पढ़ाना, साइंस विषयों को बच्चों को कि मुश्किल ना समझे वो, ठीक है, उसको ऐसी एटमॉस्फेयर देना कि बच्चे उसमें इंटरेस्ट लेके पढ़े। नेक्स्ट है जो प्राकृतिक संसाधन है उसका श्रेष्ठ उपयोग जो कैसे करते हैं उसका भी बच्चों को क्या करवाना, अभ्यास करवाना, ठीक है, प्रैक्टिस करवाना उसकी। और लास्ट पॉइंट है पर्यावरण संतुलन और संरक्षण के प्रति बच्चों को संचेत करना, ठीक है, कि हमारे लिए एनवायरनमेंट और हमारा जो एनवायरनमेंट में जो संतुलन बना होता है वो कैसे है और कैसे हमें इसके साथ अपने आप को एडजस्टमेंट करना है। ये तो था आपका प्राइमरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग। अब है आपका सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या एम्स थे। देखिए, सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग क्या है हमारा, अब थोड़ा बड़ा हो गया लेवल हमारा, कि छात्रों में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है तथा जो विज्ञान के प्रति इंटरेस्ट है वो बच्चों में लाना, ठीक है। सेकंड है छात्रों को जो आवश्यक सूचनाएं हैं और जो भी तथ्य हैं उनका प्रैक्टिकल और क्रियात्मक, मतलब
क्रिया करके, जैसे हम प्रैक्टिकल्स लैब में करते हैं, उसका बच्चों को अभ्यास करवाना, बच्चों को दिखाना करके। जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जैसे साइंस के लिए लेबोरेटरी ज़रूरी होती है, जो साइंस के हमारे थोड़े बड़े लेवल पर हमें समझाया जाता है, जब हम प्राथमिक प्राइमरी से सेकेंडरी में आ जाते हैं, तो उसमें हम प्रैक्टिकल्स के द्वारा अच्छे से हम साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट है जो हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान का प्रभाव है, उसका भी हमें ज्ञान करवाना। नेक्स्ट है जो छात्रों को हमारे बहुत बड़े बड़े महान हमारे वैज्ञानिक हैं, उनकी जीवनियां बताना, ठीक है, उनके बारे में उनको कि इन मनो जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने हमारे जो भी वैज्ञानिक हैं, इन्होंने कैसे अपनी मेहनत से इन चीज़ों को सफल बनाया है, नई नई एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और उनके आविष्कारों को, जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं उन्होंने, उसके बारे में उनको अच्छे से बताना और उनकी मेहनत के बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट है छात्रों को विज्ञान के जो विकास चल रहा है वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, उसके क्रमिक विकास के बारे में उनको परिचित करवाना। नेक्स्ट है छात्रों में जो निर्णय लेने की क्षमता होती है और समस्याओं का जो समाधान करने की सामर्थ्य होती है, उसका भी विकास करना। देखिए, जो बच्चों के सामने समस्याएं आती हैं, उसको कैसे आप सुलझाओगे, कैसे उन समस्याओं से बाहर निकलना है हमें, तो उसका विज्ञान उनको करवाना। ये तो था हमारा मुदालियर कमीशन के अकॉर्डिंग। अब हम करेंगे कोठारी कमीशन के अकॉर्डिंग। देखिए, कोठारी कमीशन में क्या था, इसमें थोड़ा सा इनमें मिलता जुलता है वैसे हमारे, तो इसमें एम्स थोड़े से उन्होंने प्राइमरी और सेकेंडरी के थोड़ा ज्ञान जो हमारे उद्देश्य थे वो थोड़े चेंज कर दिए हैं। तो इसमें क्या कहा उन्होंने, जो कोठारी आयोग था, जिसे हम भारतीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, कोठारी आयोग को, तो इसका निर्माण कब हुआ था, 1964 से 1966 में। तो इसमें जो शिक्षा के उद्देश्य थे उसमें भी इनका मुख्य एम क्या था, विज्ञान शिक्षा का ज्ञान देना। इसके बारे में विज्ञान सब्जेक्ट को एक अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान देना इनका मेन एम था। तो उन्होंने क्या कहा कि विज्ञान विषय को शिक्षा के जो प्रारंभिक स्तर से लेके लास्ट जो हमारा 10th तक का स्टैंडर्ड होता है, तब तक अनिवार्य विषय के रूप में इसको पढ़ाया जाए। उसके बाद आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने क्या क्या उद्देश्य निर्धारित करे, तो हम सबसे पहले प्राइमरी के करेंगे। क्या थे प्राइमरी के उद्देश्य हमारे, कि कक्षा एक तथा दो में छात्रों की जो सफाई अभियान है तथा स्वास्थ्य रक्षा संबंधी ज्ञान है वो बच्चों को दिया जाए, ठीक है, उसके बारे में जानकारी बच्चों को हो। देखिए, आजकल आप किसी भी स्कूल में जाओगे, ठीक है, बच्चों को क्या कहा गया है कि आप बिल्कुल ड्रेस को अच्छे से, अपनी जो अपनी पर्सनैलिटी में बच्चे आते हैं, आपको छोटे बच्चों के पास क्या होना चाहिए, बुक्स होनी चाहिए, ठीक है, अच्छे से आपको तैयार होके आना है, और आपका जो आसपास का स्कूल सा गेम्स भी होते हैं बच्चों के लिए, साइंटिफिक गेम्स भी होते हैं, ठीक है, प्ले भी करते हैं बच्चे। तो इस तरह से बच्चों को इस तरह से बताना और पढ़ाना कि बच्चों को स्वच्छता के बारे में ज्ञान मिले, कि आपको खुद भी स्वस्थ आना है, आपके स्कूल में भी देखिए आपकी क्लास कितनी सुंदर है, और क्लास में आपको बच्चों के अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चार्ट्स, ठीक है, और मॉडल्स वो भी दिखाने चाहिए बच्चों को। कभी कभी प्रैक्टिकल्स लैब है वहाँ पर लेके जाना चाहिए। तो इस तरह से इनका मेन एम यही था। सेकेंड है छात्रों में जो निरीक्षण करने की और क्षमता उत्पन्न की जाए, ठीक है, कार्य को, और छात्रों को कक्षा जो चार में, फोर्थ क्लास में, रोमन लिपि की जो वर्णमाला है और अंकों का ज्ञान उनको कराया जाए, ठीक है। तो धीरे धीरे, कई बार क्या होता है, कई बुक्स में हम जो नॉलेज के अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं और हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं, उसमें रोमन जो पद्धति है उसके बारे में भी, उसके अकॉर्डिंग भी वर्ड्स को लिखा गया है, तो बच्चों को जानकारी इसके बारे में भी देना। नेक्स्ट है जो सिद्धांत हैं, अवधारणाएं हैं और तथ्य हैं, उनको समझने के लिए जो साइंटिफिक विधि है, मेथड है, उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। ये सब बच्चों को बताना कि उनका मेन एम यही है। उसके बाद है जो छात्रों को चार्ट, मानचित्र, मॉडल्स आदि, जो भी ये सब बताए जाते हैं, आदि को पढ़ने व समझने के
योग्य बनाया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपकी क्लास में या प्रैक्टिकल लैब में मोर आपके मॉडल हैं, चार्ट्स हैं और बच्चों को पता ही नहीं ये क्या चीज़ बनी हुई है, ये क्या है, ये किस चीज़ का चार्ट है। तो बच्चों को सही और प्रॉपर वे से जानकारी देना होना चाहिए, उनका मेन एम। तो इसमें ऐसा ही कहा गया। उसके बाद है छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करने के लिए, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड उनमें, और इस तरह से जो उनकी माइंड है उसमें बच्चों को इस तरह से क्वेश्चन दिए जाने चाहिए और उनके माइंड को डेवलपमेंट करना चाहिए कि बच्चों को इसमें जो बच्चों की तर्क शक्ति है उसका विकास हो सके और वो आगे अपने निर्णय लेने की क्षमता को जागृत कर सकें। नेक्स्ट है विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है आदि जो विषय हैं उसको इसके साथ सम्मिलित करना। नेक्स्ट है छात्रों को पर्यावरण संरक्षण के अकॉर्डिंग जागरूक करना। देखिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि जो एनवायरनमेंट है, हमारे पेड़ पौधे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, हमारा वातावरण जहाँ हम रहते हैं वो सबसे पहले हमें प्रभावित करता है। तो आपका आसपास का वातावरण कैसा है, आप कैसे शुद्ध बनाएं, कैसे स्वस्थ बनाएं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हमारी जो एजुकेशन में कोठारी कमीशन में छात्रों को जो पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करना कि हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम आगे अपना जीवन कैसे व्यतीत करेंगे। तो इस तरह से ये सब एम्स बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन में दिए गए। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी एजुकेशन में। देखिए आपस में ये जो हमने पीछे मुदालियर के किए हैं और इसके मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी हम दोबारा एक बार बात कर लेते हैं इसकी। जो सेकेंडरी एजुकेशन के लिए एम्स है, सबसे पहले है छात्रों में समस्त पक्षों पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना कि क्या साइंटिफिक रीजन से क्या चीज़ कैसे होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम हर चीज़ को, जो भी हमारे सामने कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं बाबाओं ने ये जादू कर दिया, लेकिन वो कोई जादू नहीं होता, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न होता है। ठीक है बेटा, तो बच्चों को इस बारे में जानकारी देना। नेक्स्ट है विज्ञान शिक्षा के माध्यम से जो मस्तिष्क की क्रियाएं हैं उन पर संयम रखना व नियंत्रण रखना, उसके माध्यम से हमें डिसिप्लिन कैसे बनाना है, उसकी भावना जागृत करने के लिए हमें कैसा बिहेव करना चाहिए बच्चों के साथ, इसके बारे में जानकारी। लास्ट पॉइंट है आपका छात्रों की जो फिजिक्स, छात्रों को जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे इससे रिलेटेड, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ठीक है, बायोलॉजी है आदि जो विज्ञान के विषय हैं ये भी पढ़ाए जाना। देखिए टेंथ तक ये सभी विषय कंपलसरी होते हैं, तो हमें साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है, कैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है, ये सब साइंस का ही कमाल है। ठीक है बेटा, तो ये इसके एम्स थे हमारे मुदालियर आयोग कमीशन के और कोठारी कमीशन के। तो कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।